नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में, हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कोरोना संक्रमण की चपेट में पुलिसकर्मी एसडीओपी मान सिंह चौहान की हुई मौत। बड़वानी में गणगौर पर्व की धूम, विधि विधान से की गई पूजा, कोविड गाइडलाइन का किया गया पालन। इंदौर में युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, एम्बुलेंस संचालक के खिलाफ खुला मोर्चा, अवैध वसूली का किया विरोध। मध्य प्रदेश में कोरोना ने लिया विकराल रूप, कोरोना की रोकथाम पर सरकार का प्रयास, बेड और ऑक्सीजन को बढ़ा रही सरकार। रतलाम में कोरोना संक्रमण की चपेट में पुलिसकर्मी भी आ रहे हैं, इसी दौरान एक पुलिस अधिकारी की कोरोना से मौत भी हो गई है। दरअसल रतलाम ग्रामीण एसडीओपी मान सिंह चौहान पिछले काफी दिनों से कोरोना से संक्रमित थे, इसके चलते उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, लेकिन बीती देर शाम पुलिस अधिकारी मान सिंह चौहान की कोरोना से मौत हो गई। अब गुरुवार सुबह पुलिस अधिकारी एसडीओपी मान सिंह चौहान के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन के साथ किया गया। बता दें, शमशान में सभी पुलिस अधिकारी व पुलिस जवान पीपीई किट पहनकर पहुंचे थे। कल एसडीओपी रतलाम ग्रामीण मान सिंह साहब कोरोना की जंग लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हुई। ये बताना चाहूँगा कि मान सिंह साहब 6 अप्रैल को सर्दी खांसी जुकाम और सांस लेने में तकलीफ की समस्या के कारण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम में एडमिट हुए थे, जहाँ उनका आरटीपीसीआर सैंपल हुआ था। 8 अप्रैल को उन्हें पॉजिटिव बताया गया था, उसके बाद उनकी लगातार इलाज चल रहा था उनका। उनको रेमडेसिविर के डोजेस भी दिए गए थे। चूँकि ये खुद डायबिटिक पेशेंट थे, इनका कल ब्लड शुगर लेवल 500 से ज़्यादा हो गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने इंसुलिन जैसे ही दिया, उसके बाद उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन जो 97 के आसपास था वो सडनली गिरने लगा और वो 45% के आसपास पहुँच गया। उसके बाद इनको तत्काल आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहाँ बड़वानी के निमाड़ में पारंपरिक त्यौहार गणगौर पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही माता की बाड़ी में पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। देखने में आया कि महिलाओं ने गणगौर गीत व झलारिया गाया। इस मौके पर कोविड गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन किया गया। ग्वालियर में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने जनता कर्फ्यू लगाया है। हालांकि इस दौरान किराना सहित दूध, फल और सब्जी की दुकानों को छूट दी गई है, जो सिर्फ घरों तक सामान पहुंचाएंगे। लेकिन अब पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 10 बजे सभी दुकानों को बंद करा दिया है। गौरतलब है कि ग्वालियर में अप्रैल महीने में लगभग 5,000 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। यही कारण है कि जिला प्रशासन ने यह सख्त फैसला लिया है और सख्ती बरत रहा है। की सब्जी, ब्रेड, अंडे ये सब खरीद सकें, और अब 10 बजे के बाद सभी तरह की छूटें ख़त्म हैं। सिर्फ मेडिकल की दुकानें खुली हैं, किराने की दुकानें खुली हैं, लेकिन वो घरों पे सप्लाई कर पाएंगी और आदमी वहाँ पर आके सामान नहीं खरीद पाएगा। और 10 अभी जस्ट बजे हैं, तो हमारी जो टीम है ये लगी हुई है पूरे शहर में, और हमारा प्रयास ये है कि आने वाले 15-20-25 मिनट में ये सिर्फ अति आवश्यक जिनको छूट मिली है उन्हें छोड़ के बाकी सभी लोग अपने घरों में चले जाएं। और यद्यपि अभी थोड़ा सा व्हीकलर मूवमेंट है, पर अन्य दिनों की तुलना में लगभग 80% लोग घरों के अंदर। गुरुवार को इंदौर में युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव और प्रदेश सचिव विवेक खंडेलवाल के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल कांग्रेसियों का कहना है कि जिला प्रशासन ने शवों को शमशान तक ले जाने के लिए 300 रुपये तय किए हैं, लेकिन इंदौर में एमवाई सहित अन्य प्राइवेट अस्पतालों के एम्बुलेंस संचालक शवों को शमशान तक ले जाने के लिए 3,000 से 9,000 रुपये ले रहे हैं। वहीं रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और बेड की कमी पूरे शहर में है, जो लूट और अव्यवस्था को दर्शाती है। इन्हीं सब मुद्दों पर युवा कांग्रेस ने गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर धरना दिया और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। आज हमने गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर विवेक खंडेलवाल और अन्य कांग्रेस जनों के साथ धरना इसलिए दिया है कि जिस तरीके से
सौ के नाम पर शमशान घाट पे ले जाने के नाम पर एम्बाय की जो एम्बुलेंस प्रशासन है उसके द्वारा 3,000 से लेकर 6,000 9,000 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। पहले ही आम आदमी जो है उसकी कमर टूट गई है, कोरोना काल की बीमारी के चलते लोग मर रहे हैं, एम्बुलेंस में एक के ऊपर एक सौ रखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना विकराल परिस्थिति में पहुंच चुका है और अब मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघुराम चौधरी को कोरोना की रोकथाम पर काम करने की याद भी आ रही है। दरअसल दमोह उपचुनाव का प्रचार खत्म करने के बाद राजधानी भोपाल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दफ्तर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बेड को बढ़ाने के लिए प्लानिंग की गई है, साथ ही ऑक्सीजन को भी बढ़ाने को लेकर सरकार विचार कर रही है। कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस दौरान उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन पर भी बात की। सुनिए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का क्या कहना है। नहीं देखिए, बेड उपलब्ध हो रहे हैं, कुछ बड़ी जो सिटी हैं वहाँ जहाँ ओवरलोड है वहाँ पर भी हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं, और जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने आरक्षण किया है। अगर उसके बाद भी अगर आवश्यकता पड़ रही है तो दूसरी स्थान जो भी गवर्नमेंट प्लेस है या कोई प्राइवेट प्लेस है वहाँ पर भी हम लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार के बेड्स की कोई कमी नहीं आने दी जाए। 94 जितने भी बेड हम बनाए जितने भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज अ प्रॉब्लम राइट नाउ, हम जस्ट उतने ऑक्सीजन अभी उपलब्ध है जितने हम लोग के जितनी हमारी खपत हो रही 262 की हमारी खपत है 275 आज आई। इंदौर में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। इस दौरान देखने में आया है कि संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब ऐसे में इंदौर में एम्बुलेंस संचालक शव को ले जाने के लिए मृतक मरीजों के परिजनों से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। जिला प्रशासन के नियमों पर एक नज़र डालें तो शव को ले जाने के लिए 300 रुपये तय किए गए हैं, लेकिन एम्बुलेंस संचालक हजारों में पैसे वसूल रहे हैं। अब इस मामले को संयोगितागंज पुलिस ने संज्ञान में लिया है। यहां थाना प्रभारी राजीव त्रिपाठी ने क्षेत्र के एम्बुलेंस संचालकों के साथ बैठक की और उन्हें समझाइश देते हुए कहा कि इस आपातकाल की स्थिति में आप लोगों की मदद करें, न कि उनसे अवैध वसूली करें। हॉस्पिटल है उसके अधीन सुपर स्पेशलिटी MRTV और अन्य अस्पताल भी आते हैं, तो इस समय कोरोना के संकट में ऐसी सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस चालक हैं जो सब वाहन ले जाते हैं सबों को, वो लोग मनमाने ढंग से और मजबूरी का फ़ायदा उठा के अधिक पैसे ले रहे हैं। तो इसलिए कल मैंने MBH में जितने सब वाहन के संचालक और मालिक ड्राइवर हैं उनको सबको बुला के करीबन 9-10 लोग हैं जिनकी 24 या 25 गाड़ियाँ विभिन्न तरह की सब वाहन ले जाने का काम करती हैं, जो पूरे संभाग में पूरे प्रदेश में और लोकल में सब वाहन ले जाते हैं, उनको सबको इस समय मानवीय संकट के दौरान अत्यधिक वसूली करना लूट खसोट करने के लिए सख्त हिदायत दी गई है कि यदि इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उन पर कार्रवाई करेंगे, और उनको बताया भी है कि इस समय पूरे मानव जाति पर संकट है, इसलिए उनकी हर हालत में मदद करें, जो उचित किराया है जो निर्धारित किराया उतना लें। अभी उनके लिए कोई अलग से गाइडलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उनको समझाया और मैं प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन भी करूंगा कि जैसे ही कोरोना संकट खत्म होगा उसके बाद उनके लिए गाइडलाइन निश्चित कराऊंगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।